जय श्री कृष्णा। मैंने जैसे कि अपने एपिसोड में आपको बताया था कि राहु के उपाय बताने में बहुत छोटे से वीडियो के लिए आऊँगी, तो उठाइए कॉपी पेन और लिखिए राहु के बहुत सरल से उपाय। जब जब राहु की पीड़ा आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे, शनिवार के दिन काले कपड़े में आप 1.5 मुट्ठी काले तिल और 5 रुपये का सिक्का रख कर किसी मंदिर में छोड़ आइए। जब जब राहु की पीड़ा आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे, तब तब आप बहते हुए जल के अंदर अपने वजन के बराबर का कोयला ज़रूर प्रवाहित कर दीजिए। जब जब राहु की पीड़ा आपको परेशान करे, आपके मन में भ्रम उत्पन्न करे, नेगेटिविटी लाए, शक उत्पन्न करे, तब तब आपको किसी भी मंदिर में जाकर शनिवार के दिन 7 चक्कर काटने हैं। भगवान के इर्द गिर्द अपन चक्कर काटते ना, 7 चक्कर काटने हैं और उसके बाद आपको वहीं पर बैठकर 3 बार गणपति जी का नाम स्मरण करके राहु से क्षमा मांगनी है और उसको अपने जीवन से जाने के लिए प्रार्थना करनी है और ईश्वर से कहना है कि इन्हें अपने पास रख लीजिए, मेरे साथ आप चलिए। जब जब राहु की पीड़ा बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे, शिव मंदिर का पूजन नियमित रूप से करना चालू कर दीजिए, तिल का दान कर दीजिए, साथ ही साथ में शनिवार के दिन गरीब या अपाहिज व्यक्तियों को ज़रूर अपने हाथ से बनाकर खिचड़ी खिला दीजिए। शनिवार के दिन अगर शाम के वक्त पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कर लेंगे, तो आपके जीवन से राहु का प्रभाव नकारात्मक रूप से हट जाएगा। घर में जगह जगह मोर पंखी लगा दीजिए, राहु ठीक हो जाएंगे। मोर पंखी की हवा ले लीजिए, किसी मंदिर या फिर किसी मस्जिद में जाकर किसी पीर से या किसी पंडित से अपने सर पर शुक्रवार के दिन मोर पंखी की हवा ज़रूर दिलवाइए। किसी भी मंदिर में जाकर श्री कृष्ण के पीछे कम से कम 7 मोर पंख शुक्रवार के दिन लगा दीजिए। आपके घर के अंदर रेगुलर रूप से आप अगर कपूर जलाते हैं और कपूर का पोछा लगाते हैं, तो इससे भी राहु की नकारात्मक दृष्टि खत्म हो जाती है। छोटे छोटे उपाय करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा बताएंगे। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। जल्द मिलेंगे मेरी जान, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।